लंबे समय तो किसान दिल्ली दिया बरूहों पर बैठे सन तीन खेती बिलों रह के रद्द करवाने वास्ते। उत्थे ही कितना कितने केंद्र सरकार हुण चुकदी नज़र आ रही है कि जिहड़े तीन खेती बिल हैगे ने रद्द हो चुके हैं। उत्थे ही ज़्यादा जिन्हां ने भूमिका निभाई आ बलदेव सिंह सिरसा साढ़े नाल गलबात करन वास्ते मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे आ कि इस अंदोलन के 700 तों उपर किसान शहीद हो गए ने ते केंद्र सरकार झुकदा कितना कितने लगता कि क्योंकि अज जिहड़ी जित किसान जिहड़ी कत्ते जथेबंदी आ उन्हां दी जित कह सकदे आ, पूरे पंजाब दी जित कह सकदे आ। बिल्कुल जी, पूरे पंजाब की जित, क्योंकि पंजाब तो अंदोलन चलिया सी, उस तो बाद पूरे देश के लोगों की है, पर पूरे जिस तरह के किसान मजदूर मुलाजम समुचे वर्गों की जित है। अते इहदे विच अगों देश के विच सारे देश के लोगों ने इस हिस्सा पाया, इस तो अगे संसार भर के लोगों ने इहदे विच हिस्सा पाया। जे मैं लिस्ट गिणा तो वह बहुत लंबी होगी, जिस तरह कार सेवा वाले महापुरुष है, मेडिकल कैंप वाले आ, NRI वीर ने जिन्होंने बहुत वड्डे पद्धर उत्ते माइक तौर पर बहुत सत्कार काफ़ी भूमिका ढड़ी भी निभाई आ, उत्थे नौजवान भी काफ़ी सी। इस अंदोलन की खटिया गया? खट्टण की गल तो जी ने छड़ असी वो कुछ खटिया कि जिहड़ा मसाल एक कैम कर गया एक जो खटिया असी। सब तो वड्डी गल ये कि जिहड़ी सिखां नूं अतवादी तंकवादी देसद्रोही कहा जांदा सी ना, वह धब्बा लत्था है। देश के लोगों ने सरकार ने बहुत सारे षडयंत्र रचे, बहुत कुछ किया, बहुत बदनाम कुछ किया, पर हिंदू वीर ने भाईचारे ने उन्होंने कहा कि जे ये अतवादी ने आतंकवादी ने खालिस्तानी ने तो असी नहीं हाँ। सो दुनिया के अज सिख कौम की जी धौन उची हुई है, तो ये एक अपराध की जी अरबा रुपए खर्च करके प्रचार करके असी सिखी का इन्ना प्रचार नहीं कर सकते जो इस टाइम तो है। जो गुरु नानक पातशाह का मिशन से उन्होंने लैके चले हैं, तो वो जी अज गुरु नानक पातशाह ने ही कृपा की, बहुत प्राप्ति हुई सर। प्राप्ति बिल्कुल ठीक है कि जी प्राप्ति जे तीन कारण रद्द करवाते हैं, पर 700 तो पर किसान शहीद हुए हैं। केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पाया, मावं के पुत चल गए हैं, कई भैनों के भरा चल गए, कई सारे बजुर्ग चल गए हैं, उन्होंने कि तुम देख रहे हो? देखो जदों एड्डी वड्डी लड़ाई हो उस लड़ाई के जड़ा वो शहादत और जिन्ना इतने सबर तो जबर वो लड़ाई सी, एक पासे सबर से एक पासे जबर से, अखीर नूं सबर जितया तो जबर हारिया, तो ये बहुत वड्डी एक अपराधी आ, तो शहादत तो होंदिया ही ने। अज भी साड़ी एक भैन का चंडीगढ़ PGI के पोस्टमार्टम जड़ा वो हो रहा, जिहड़ी कि दिवाली तो दूसरे दिन सिंघू बॉर्डर के उत्ते झोंपड़ी नूं अग लगन के कारण जिहड़ी सी हो सकती सी। सो बहुत कुछ सिरसा साहब जिहड़े हुण पक्के घर से वह तोड़े जा रहे हैं किसानों द्वारा, जिहड़े पक्के बनाए गए कि कितने लंबा संघर्ष चल सकता, पर एक साल हो गया संघर्ष काफ़ी लंबा चलिया, पर जिंदगी दे विच संघर्ष एडा तेज वेख्या कि कितने ना कितने इदां दी सरकारां वेखियां सी कि जलम सरकारां इदां दी कदे मनणगियां? इतिहास नहीं गा मीर मनू वर्गे जकरिया खान औरंगजेब, मैं इहदी तुलना जिहड़ी आ मैं इस करके इहदी तुलना जिहड़ी आ औरंगजेब दे नाल बाबर दे नाल जिहदी करदा कि इह उहनां हंकारी राजां विचों राजा सी, पर इहदा हंकार चकना चूर हो गया जदों गुरु नानक पातशाह के आगमन पुरब के उत्ते इहनूं देर आए दुरुस्त आए कहना पवेगा भई इहने उस दिन के उत्ते हंकार टुटिया, तो इहने काले कानून रद्द किए, तो जिहड़ियां बाकी मंगां जिहड़ियां सी उह गुरु तेग बहादुर पातशाह दे शहीदी पुरब ते मनियां, पर अजे असीं इह समझा कि साडी लड़ाई जिहड़ी आ शुरू होई आ, इक साडा रस्ता बणिया, लोकां विच हौसला वधिया, अते आउण वाले समें दे विच बाकी भी मंगा जड़िया ने होर बहुत सारिया मंगा ने। यह तिने खेती विरोधी कानून रद्द होने के नाल किसान जड़े ने वो ये नहीं है भी खुदकशियां घर हट जाएंगे, ये तो सिर्फ एक रस्ता अख्तियार होया। अगे देखो 15 इस करके असी 15 जनवरी 2022 जी दिल्ली के संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग रख। सिरसा साहब जिथे अंदोलन तो खत्म होंदा नज़र आ रहा उत्थे जो टोल प्लाजा बंद के किसान बैठे से उत्थे भी उठना चालू हो गए, पर टोल प्लाजा के जो पैसे ने डबल कर दिए कहते सर, लगता कि कितने ना कि हूँ आम वर्ग के काफ़ी पीसा जाएगा? देखो जदों आम वर्ग के उत्ते कोई भी सरकार है वो जुर्म करती है तो फिर लोग जड़े ने वो तरह तरह कर उठते हैं, तो फिर वो अपने हकों वास्ते जदों एकदम तुम किसी से जो 10 किलो वजन है तो वो सिर पर तुम 20 किलो रख दो, आप मजदूर ले जाए मजदूर नूं कहने पे भाई आ इटा जड़ियाँ कोठे ते चढ़ाउणे, तो वो चार इटा जड़ियाँ सिर दे उत्ते चौके ते वो जड़ियाँ लैके जांदा पौड़ियां चढ़दा, तो असीं उहनूं कहीए भी भाई ये तू 8 रखणियां फिर तू चढ़ना तां तैनूं दिहाड़ी मिलणी, तो फिर वो कहिंदा भी आ पईआं तेरीआं इटां आ भाई तेरी दिहाड़ी मेरे को नहीं चुकियां जांदियां, वो सामने हो जांदा हालांकि उहदी मजबूरी हुंदी आ। इस तरह जेकर ये इस तरह करनगे ना
तो फिर लोगों के रोह पैदा होगा, लोग जागृत जागृत होंगे इस अंदोलन के यही प्राप्तियां ने कि लोगों लोगों के हकों वास्ते जरा जागृत करता पूरे संसार के लोग कारपोरेट घराने के उठ खिलाफ उठ। मीटिंगों का सिलसिला जारी से, मीटिंगा काफ़ी हुई 15-16 मीटिंगा जी चलदिया रही, उन्होंने मीटिंगा का हल नहीं निकलिया। एको दम नरेंद्र मोदी का जरा स्टैल कह सकते हैं कि एको दम करना खेती कानून रद्द किए जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ को किदा देखा इलैक्शन स्टेंट कह सकते आप। देखो ये कई गल्लां सन, जिस तरह तुहानू दस पता होगा कि 8 नवंबर जिहड़ा सी उह साडी इक मीटिंग होई सी इसे 8 नवंबर नू जो लंघ के गई, तो उहदे विच एक प्रपोजल आई सी कि तुसीं जिहड़ा भी एक कानून रद्द एक ते कमेटी ते एक सूबियां ते छड्ड दित्ता जावे, ये साडे वल्लों साडे कुछ लीडरां वल्लों कही गई सी केंद्र उहदे विच सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल मेरे वल्लों सुखपाल डफरों ठोक के विरोध किया गया और रिपोर्टा सारिया जो कंडर हो गई उधर जोड़ा सी यूपी के मिशन जी है तैयारी है, तो उधर टकैत साहब भी जोड़े से वो भी बड़का मारते आओ यूपी दे, इस करके मोदी को झुकना पाया भी यह तरह गल नहीं बननी, जिस करके मोदी ने आने वाली इलैक्शन ही मद्देनज़र रखद होर भी कई मसले ने, तो यह मद्देनज़र रखद भी ये लोग झुकने वाले ने। तुम्हें पता जो गवर्नर मेघालय के गवर्नर ने वो कन्न खोले से ना, वो कन्न भी खोले से अखा भी खोलिया से सुता ना रही कहीं, वो कारण ने सारे जिस करके मोदी को झुकना। सिंह साहब हम कि देख रहे हो इलैक्शन स्टेंट हैगा, तो जो बीजेपी के हम प्रचार इन्होंने खुले हो जाएंगे, लगता कि पिंडा जिले का विरोध होगा। हम देखो विरोध किस किस्म का होगा, हूँ पहला किस्म का नहीं होगा, लोग इन्हों मूनी लाने और तुम वेख लो भी जो संदूकड़ियों के की निकलता, इस करके लोग भुले। पर किसानों के अंदोलन वालों भी कहा गया हूँ जी चुनाव उन्होंने वालों लड़ी जाएगी, लगता कि कितना ना कि हम चोणों के उतरन के किसान कत जथेबंद हर बंदा आजाद है चोन लड़ सकता है, लेकिन SKM के उही रहेगा ना जो चोणा नहीं लड़ा। तुम लड़ोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो शुरू तो कहता आ रही मैं भी नहीं लड़ांगा और जगजीत सिंह डल्लेवाल की भी गरंटी करता। अच्छा गरंटी तुम चुक रहे हो कि तुम नहीं लड़ोगे? बिल्कुल। पर जे किसान तो तुम पसंद कर रहे हैं? नहीं वेखो किसान अपने हिसाब न ठीक ने, पर असी उन्होंने बेनती करा कि सिस्टम बड़ा बिगड़िया होया, एड्डी छेती हसाने वाला नहीं, सानू एक दबाव बना के उत्ते कुंडा रखने की जी लोड़ है। काफ़ी भूमिका निभाई गई है, तो हूँ जोड़े बिल जोड़े रद्द हो गए हैं, तो हूँ जोड़े किसान कत्ते जथेबंदियां जी 13 तरीक न इतने सचखंड श्री हरिमंदर साहब मत्था टेकन वास्ते, तो काफ़ी उन्होंने वालों कहा गया कि ना कि केंद्र सरकार नू असी काफ़ी झुकाया, असं जोड़े 3 बिल है वो रद्द करवा के ही पंजाब रुक किया। मनजिंदर सिंह की खास रिपोर्ट अमृतसर।